अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं स्टैक 301 एसटीए 301 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे और हम करेंगे इसकी एमसीक्यूज की तरफ से। तो मैंने देखा था कि यूट्यूब पे कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो कि स्टैक के ना अच्छे से कोई लेक्चर्स बना रहा हो, तो उसको मैंने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी और अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा नहीं बना सका मैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कम्प्लीट कर लूँ। तो इस बुक में से ना आपके हाफ जो आपका फाइनल टर्म का पेपर आएगा वो आएगा आपका एमसीक्यूज का और हाफ आएगा आपका सब्जेक्टिव पार्ट का। तो हम देखेंगे फाइनल टर्म के अगर आप एमसीक्यू जो आपके फ्री के नंबर है ना, अगर आप इसको 3 से 4 घंटे रीड कर लेते हैं तो आप गारंटी है कि आपके 15 से 20 तक नंबर, 15 से 20 कह रहा हूँ मैं, 35 से 38 नंबर तक आप इजीली ले सकते हैं। तो ये मेरी अपनी भी बुक है, तो लेट्स करते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं हम इसको स्टैक को। द मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एनी कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल इज ऑब्टेन्ड बाय, तो किसी भी पीडीएफ का मार्जिनल जो है कंटीन्यूअस वेरिएबल में वो किस तरीके से लिया जाता है या ऑब्टेन किया जाता है, तो वो हम उसको इंटीग्रेशन के ज़रिए सॉल्व करते हैं, उसको ऑब्टेन करते हैं। तो हमने याद रखना है कि हम मार्जिनल पीडीएफ इंटीग्रेशन के ज़रिए लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हाउ एरिया लाइज बिटवीन म्यू प्लस, ये म्यू साइन ही है। तो यहाँ पर जो होता है ना 68.26% होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो एरिया की लाई करती है ना, यानी कि जो एग्जिस्ट करती है वो म्यू की जो वहाँ पर वैल्यू दी गई है ना वो 68.26% है। तो आपने इसको याद रखना है। उसके बाद है अ कोरिलेशन कोफिशेंट, तो ये सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं इतना डीप में नहीं जाने वाला, आपको समझाऊंगा जो आपके ज़्यादा एमसीक्यूज़ होंगे, तो आपने इनको पढ़ लेना है। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कोरिलेशन कोफिशेंट की, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट रहते हैं हमारे पास द वैल्यू ऑफ मूमेंट रेशोज़ B1 एंड B2 ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 0 एंड 3, तो वो कौन सी हैं कि मूमेंट रेशो की B1 और B2 की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 0 और D3 है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बायनोमियल एक्सपेरिमेंट, बायनोमियल की हम देखना है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी जो नहीं है ना वो है इसकी, तो वो है हमारे पास द प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू आउटकम्स कैन चेंज फ्रॉम वन ट्रायल टू द नेक्स्ट, तो ये चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है ना ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है कि ये चेंज होती है लेकिन ये चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास अज्यूम अ लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन विच 6 इज इक्वल टू 6, वाट इज़ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मेन बेस्ड फ्रॉम विच एन इज इक्वल टू 10, तो ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो आपने इसको सॉल्व करके देख लेना है। अगर आपको सोल्यूशन इसका नहीं मिल रहा तो आप ऐसा करें, लेक्चर्स देख लें, लेक्चर में से आपको ये डीपली समझाया गया है, तो अब मैं यहाँ पे सोल्यूशन ही करने वाला इन सब का। नेक्स्ट है हमारे पास इन वेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई आर स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, यहाँ पे एक्स और वाई जो है ना वैसे भी बाय राइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स और वाई जो हैं वो इंडिपेंडेंट ही होते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ को भी अकॉर्डिंग कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है इंडिपेंडेंट ही आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो इवेंट्स होते हैं ना वो 2 कैटेगरीज़ में क्लासीफाइड होते हैं या डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मीन इज़ म्यू इज़ इक्वल टू एन पी, जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में का जो कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है ना मीन को कैलकुलेट करने का, वो है म्यू इज इक्वल टू एन पी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज टू अप्रोक्सीमेट द हाइपर जियोमेट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन पी जो है ना ये जब छोटा होता है 0.05 से, तब जो है ना हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो उसके अप्रोक्सीमेट होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास द हाइपर जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ पैरामीटर्स, तो जो हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स होते हैं ना वो होते हैं, एक को तो होता है बिग एन, लार्ज एन, एक स्मॉल एन और दूसरा होता है के। नेक्स्ट हमारे पास आ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ वन इन विच वी रिपीट अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स अंडर सिमिलर कंडीशन एंड इट प्रोड्यूसेस, तो अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो और उसमें हम एक लार्ज अमाउंट को या लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स जो है ना वो एक ही कंडीशन को उसके ऊपर रिपीट करें, तो फिर वो उसका जो रिज़ल्ट है ना वो स्लोली डिफरेंट रिजल्ट जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास गिवन बिलो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये बहुत ईजी है, आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करना, यहाँ पर से 0.20 आएगा आपके पास। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेवर
तो जो पॉइजन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कभी भी नेगेटिवली सिक्योर्ड नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन कोव एक्स वाई इज इक्वल टू, तो देन जो एक्स वाई होंगे वो जीरो के इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास इफ ई एक्स इक्वल टू थ्री देन ई इंटू फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू, तो ये 15 के इक्वल होगा। आपने इसकी वैल्यूज जो है इसके साथ पुट कर देनी है तो आपको इसका आंसर जो है ना वो मिल जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास 15 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायर्ड ऑफ बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इक्वली लाइक्ड आउटकम जो है ना ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। तो नेक्स्ट जो है ना मैं इसकी वीडियोज पार्ट्स लेके आने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, आप इसकी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।